दोस्तों राधे राधे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 10 बज चुका है और मानसी स्कूल चली गई थी और अभी तक खाना पीना बन चुका था सुबह ही, लेकिन खाए नहीं है। हम तो खा लिए, ये खा लिए क्योंकि मेरे से खा लेने के बाद से ना काम नहीं हो पाता है। तो चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को शुरू करते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप सब बने रहिए। तो सबसे पहले काजल ने कपड़े धोया था बहुत सारा, तो इसको लेके चलते हैं ऊपर छत पे, पहले इसको पसारते हैं। उठेगा नहीं। और ये है एप्पल, क्योंकि मानसी खा के रखे तो इधर चूहा हुआ खा लिया है, तो इसको हम छत पर रख देंगे, चिड़िया वगैरह खा ले। उठावा नहीं है, देख रहा है ऐसे कर। लेके आ गए हैं छत पे कपड़ा और जल्दी से काजल पसार देंगे इसको। ईंटे पसारने कलर नहीं आता है, रंगने था, काम चल रहा था ना, तो टूट दिए हैं सब, ऐसे कर देते हैं। सेवक हवा में रख लो खाए खाए। और ये ना मैं रात में आधा कपड़ा धो के रखी थी आंगन में, और पट कदम का इतना फूल गिर रहा था ना, बहुत ज्यादा फूल गिर रहा, पूरा हालत खराब हो जाता है भागते भागते। तो चलिए आप सब बने रहिए। तो अभी काजल यहाँ पे बैठ चुके हैं कपड़ा पसार के आगे थक हार के, और है ना हम लोग सोच रहे हैं इस घर में लाइट लगाने के लिए, क्योंकि जो लोग भी आएंगे तो यहाँ पे रहने के लिए लाइट सबसे ज़रूरी है ना। दिन में तो पूरा उजाला दिखेगा, लेकिन दिन में भी एक रूम में लाइट नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी अंधेरा एकदम दिखेगा, तो इसलिए लाइट लगाना ज़रूरी है। और इधर देख सकते हैं बहुत सारा साफ सफाई के बाद कितना ही प्यारा लग रहा है। और इसमें ये किचन का जो सेटरिंग हुआ है ना पटरा का, तो ये अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि इसको मजबूती चाहिए, तो कुछ दिन और छोड़ देते हैं। अरे इसमें धूप नहीं है ना, धूप नहीं होता जहाँ पानी भी कम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट पानी इसमें डाल देंगे आज फिर से, और इसको कुछ दिन और छोड़ दे रहे हैं, बाद में खोलेंगे, नहीं तो अभी खोल देंगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। किचन का स्लैब और लाइट वगैरह लगाना है सारे घर में, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्लीज़ दोबारा बोलिए, टाइटल लिख रहे हैं, शांत रहिए। नहीं इस बार का उस बार का लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट था, मैं ऐसे ही याद पार पार के लिख रही हूँ क्या क्या इस ब्लॉग में, ऊपर से एक ब्लॉग के लिए ऊपर से क्या कैसे क्या बनाया जाएगा, आज ये कर दिया जाएगा भाई, मैं काम कर रही हूँ काम कर रही हूँ काम। अरे बाइक चलाने जा रही थी, चाबी दे दिया हाथ में, उतर के भाग गई, कह रही कि ना 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 हमसे नहीं रुकाएगा ये, अतः उतर गई, तब कह रही चला नहीं लेंगे हम, यार कंफ्यूज कर दी थी। कल जो पानी लगाए थे ना इसमें कीचड़ होते, यहाँ पे बाइक लगाए थे, बाइक का स्टैंड से ही निकल गया मिट्टी, इसको दबा देते हैं अच्छे से। सो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग सारा काम करके बैठे हुए हैं, और बाकी जो लाइट का काम लगा करना है वो अभी लाइट लेके आएंगे और आज लगा देंगे लाइट, और बहुत सारे सवालों का जवाब में से एक जवाब आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी लास्ट तक देखिएगा, और काफ़ी लोग ये क्या कह रहे थे कभी कमेंट में, मानसी को लेकर, हाँ कि मानसी स्कूल नहीं जाती, तुम अभी अभी भेजना है, अभी अभी तुम भेजना स्टार्ट किए हो, इससे पहले कभी स्कूल नहीं गई है, तुम लोग इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे हो सबसे, कैसे लोग होते हैं, मतलब हर एक जगह यही कमेंट था कल के वीडियो में कि अभी अभी मानसी स्कूल जा रही है, इससे पहले कभी स्कूल गई ही नहीं, अन्ना तुम लोग, मतलब कि कुल मिला का मुद्दा ये है कि झूठ बोलते हो, है ना, झूठ बोलते आए, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मानसी स्कूल जाती थी, लेकिन हाँ एक बात और सच है कि एडमिशन जो है वो अभी नया नया हुआ है, इससे पहले दूसरे स्कूल में जाती थी, वहाँ पे एडमिशन हुआ तो उसका कार्ड में ढूंढ रही थी, नहीं मिला, बट मैं एक बहुत पहले एक दूसरे स्कूल में एडमिशन कर, 6-7 महीने, हालांकि वो भी प्राइवेट स्कूल ही है, तो आप सबको भी बताए थे और उस टाइम दिखाए भी थे कि हाँ मानसी का एडमिशन हो गया है और पढ़ने भी जाती है, कभी कभी हम और भैया लेके जाते थे और कभी कभी सलोनी के साथ जाते थे, तो ये भी आप लोग बहुत पहले से देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि सलोनी दीदी के साथ अपने स्कूल जाती थी, तो इस चीज को लेके आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार वहाँ जाते थे ना तो वहाँ बस का वो नहीं था, वहाँ पे गाड़ी का सुविधा नहीं था, तो हम लोगों क्या होता था कि बीच बीच ना हम लोग कहीं कहीं हम लोगों को कहीं कहीं जाना होता है, जैसे कि किसी भी काम के लिए, किसी प्रमोशन के लिए या फिर कोई भी काम के लिए, तो उसमें क्या होता था कि गाड़ी का सुविधा ना होने पर ना मानसी स्कूल ही नहीं जा पाती थी, या फिर सुबह सुबह मैं किसी काम से कहीं निकल गया तो फिर कौन जाएगा छोड़ने, ये चीज हो जाता था, तो उस समय दिक्कत होता था। और अभी क्या है कि अभी जिस स्कूल में हम लोग एडमिशन कराए हैं, हाँ, उसमें सारी सुविधा थोड़ा बहुत है, इसी वजह से, तो अच्छे से बोला, नाक से बोल लेती है थोड़ा सा, तो उसमें क्या है कि गाड़ी वाड़ी का सुविधा है और हर एक चीज का सुविधा है, और वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा उससे बेटर स्कूल है ये, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का है, तो हम लोगों ने इसमें एडमिशन हाल ही में कराया,
तो करीब 15 दिन समथिंग हुआ, 15-20 दिन। तो हम लोग इधर इसीलिए कराए थे ताकि हम हमारा उससे पहले उसमें भी जाती थी और उससे भी पहले यहाँ जाती थी सरकारी स्कूल में। यहाँ भी देखे होंगे सरकारी स्कूल में भी गई है, सबसे पहले सरकारी स्कूल में ही जाती थी। उसके बाद से हम लोगों ने वहाँ एडमिशन कराया प्राइवेट में, बट वहाँ भी हमें अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद से अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ कराया, और वहाँ रेगुलर नहीं जा पाती थी, कभी एक दिन दो दिन गैप हो जाता था, या फिर कहीं जाते थे किसी बारिश की वजह से, धूप की वजह से, हाँ, और कहीं जाते थे भी ना तो किसी काम से, तो उसमें मानसी को लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं रहता था तो छोड़ने कौन जाएगा, है ना। और सलोनी कभी कभी अकेले चली जाती थी ना तो बहुत दिक्कत हो जाता था, और उस टाइम भी बहुत सारी परेशानियाँ थी, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ कराया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं कराए थे, कोई भी चीज़ कोई भी काम करने के लिए ना पहले उसको सोचना जानना बहुत जरूरी है ना। थोड़ा सा क्लिप भी दिखा दें, अभी बहुत मैं ढूंढी थी, मिला था क्लिप, स्कूल में भी मानसिक पापा ले गए इनके दीदी के साथ, उसको प्ले कीजिए। अरे स्कूल का दिखाया ना, डायरेक्ट स्कूल में गई वाला ऐड आ गया। रुको, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, मानसी बहुत पहले से स्कूल जाती थी, हम लोग यहाँ शुरू शुरू में आए थे ना तब से ही जाती थी यहाँ सरकारी में, उसके बाद हम लोग प्राइवेट में डाल। ये देखो हमें भी बहुत चिंता है, अच्छा लगता है आप लोग भी चिंता करते हैं तो, लेकिन झूठे समझ रहे हैं ना सब लोग, कह रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा बुरा लगता है। ये देखो इसको भगाइए ना, स्कूल में गए, ये टिफिन बॉक्स तो ले ली है 5 महीने पहले का ये वीडियो देखिए। ये स्कूल में, ये दूसरा स्कूल है, उस टाइम मैं छोड़ने आया था, उस टाइम ड्रेस वगैरह नहीं था वहाँ पे अभी। तो ऐसा कुछ तो, नहीं है, 5 मंथ पहले का वीडियो नीचे में देखे होंगे लिखा होगा, 5 मंथ पहले का। तो उस टाइम भी स्कूल जाती थी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं भेजते थे, हाँ। हालांकि हम लेकर न्यू एडमिशन इसलिए कराए थे कि हम थोड़ा सा सुविधा हो, थोड़ा सा जाने, अगर मैं कहीं चला भी जाऊँ तो मानसी को स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही ना तो रेगुलरली जाना होगा उसको, है ना, रेगुलर जाना होगा, इसलिए यहाँ गाड़ी आता है और अपना लेके चला जाता है, छोटा वैन है तो अब उसमें टीचर्स भी रहते हैं तो सब लोग साथ में लेके जाते हैं। तो कुछ मतलब कि वहाँ पे इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन करा दिया। और आप सब सोच रहे होंगे कि मानसी का एडमिशन क्यों नहीं करा रहा, और हम लोग उस टाइम बोलते थे कि मानसी पढ़ने जाती है, मानसी पढ़ने जाती है, लेकिन आप सब बोलते थे नहीं तुम झूठ बोल, इसलिए मैंने बोलना ही कुछ छोड़ दिया, वैसे कमेंट आ रहा था क्या ही कर सकते हैं। तो उस टाइम हम झूठ नहीं बोल रहे थे, जाती थी वहाँ पे, लेकिन अब हमें लगा कि उससे बेटर स्कूल ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोगों ने उससे बेटर स्कूल ढूंढा और वहाँ पे सारी सुविधाएं भी है और सब चीज। अभी कल ही रो रहे थे तो उसको खेलने की सारी चीजें दिया गया था, बात भी हुआ था ना, टीचर से फोन भी कराई थी। तो सब चीज देखो हर माँ बाप को अपना बच्चे का टेंशन होता है, चिंता होता है, सारी चीजें अच्छे से जानने के बाद ही कुछ किया जाता है। तो फिलहाल में 2 स्कूल चेंज हो चुका है, ये तीसरा है जहाँ पे मानसी अब पढ़ रही है अच्छे से और उसमें रहेगी। क्योंकि यहाँ पहले वाले में क्या होता था, मेरे को ले जाना पड़ता था छोड़ने, तो इससे क्या होता था कभी मैं सुबह कहीं चला जाता था तो लेट हो जाता था, कभी 10 बजे कभी 9 बजे, मतलब लेट से जाता था। और ऐसे में क्या है, यहाँ पे गाड़ी टाइम पे आएगा, टाइम पे चला जाता है और चले जाता है। तो आप सब बताइएगा हम लोगों ने अच्छा किया कि नहीं, और आप सबका जो डाउट था कि पहले स्कूल नहीं जाती थी, नया अभी अभी जा रही है, पहले आप सब बोलते थे कि मानसी स्कूल नहीं जा रही है, मानसी करियर क्यों खराब कर रहे हो, मानसी को क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो, उसको स्कूल भेजो, तो हम लोग बोलते थे कि मानसी स्कूल जाती है, तो आप सब सोचते थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत, मतलब हम लोगों को गलत समझा जा रहा था। तो वो चीज़ डाउट आज क्लियर हो गया होगा, और बाकी आप सबके मन में और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो ये जानकारी हमें देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे में लोग कमेंट भरा था ना इस चीज़, ऐसे में सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, उस टाइम जाती थी, मैं ये भी कह रहा हूँ रेगुलर नहीं जाती थी, एक दिन कभी गैप कर दी, कभी 2 दिन गैप कर दी, इस तरह से। और ये गैप होता कैसे था, जैसे कहीं या तो हम लोगों को कहीं जाना हो इमरजेंसी में तो उसमें लेके जाना होता, हम लोग नहीं, मतलब चलो मैं भी नहीं रहूंगा तो ले जाएगा कौन छोड़ने, या फिर काजल भी नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे, और ना मुझे ना थोड़ा बच्चों के साथ भेजना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मानसी उतना एक्टिव है नहीं यहाँ के बच्चों के साथ, है ना, अब पूरा सड़क लैंग्वेज भी अभी समझ नहीं पाती, इसलिए ना ही इसका लैंग्वेज समझ, और इसलिए बच्चे के साथ नहीं जा पाते थे। और अभी क्या है ना, थोड़ा दूर भी तो था, और अभी क्या है ना कि अब वहाँ एडमिशन हो गया है, तो अब हम लोग कहीं भी जाए किसी भी काम से तो यहाँ पे मम्मी आ जाएंगी, या फिर कोई भी आ जाएगा, तो बस सुबह तैयार कराओ, खाना वाना पैक करके अपना गाड़ी आएगा द्वार पे, एकदम यहीं पे आता है द्वार पे, दिखाया था हमने, तो आराम से बैठाओ और लेके चले जाएंगे।
तो ऐसे में सही रहता है सारी चीज़ें। तो आप सब बताइएगा हम कैसे सोचे हैं। बाकी आप सब गलत मत समझिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ना ही बोल रहे थे। तो ये हैं जो कि आप सबको बतानी थी और हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है। एक एक आदमी को करके कमेंट पर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता सबको समझाना, और इसलिए सोचे वीडियो बना के एक दे दिया जाए ताकि सभी लोग हमें, मतलब जो लोग गलत समझ रहे हैं वो लोग को डाउट क्लियर हो जाए। और मानसी अभी देखिए 2 बजे समथिंग आएगी, 1:30-2 बजे आती है। कल टीचर से बोल रहे थे कि पापा मेरे इंतजार कर रहे होंगे न्यू घर में, बोल रहे होंगे लल्ला कब आएगी, इसलिए कॉल करवाई थी। तो होता है कभी बच्चों को, क्या होता है ना कि एक भी स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने में ना थोड़ा सा रोती है। और यहाँ जाते थे तो सब लोग थे आसपास। हाँ, यहाँ नहीं रोती थी, अब वहाँ क्या है ना कि थोड़ा सा रो रही, कि नया स्कूल में कोई भी बच्चा जाएगा तो रोएगा। और यहाँ पे क्या था, और वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थी सलोनी दीदी, इसकी थी, सनू भी पढ़ता था, मतलब 2-3 घर के ही लोग थे और भी फ्रेंड वगैरह थे सब लोग, तो यहाँ पे मन लग जाता था तो नहीं रोती थी बिल्कुल। और वहाँ पे क्या है कि नया नया स्कूल है, नया नया सभी लोग हैं, नए नए बच्चे भी हैं, सारी चीज़ें नई सी है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा मन नहीं लग रहा हुआ, इसलिए थोड़ा उदास रहती है और रोते। अभी कल ही क्या कह रहे थे कि मम्मा थी मैं इसी स्कूल में चली जाऊँ सलोनी दीदी के साथ, न्यू ड्रेस, दूसरा ड्रेस, ये स्कूल ड्रेस नहीं, दूसरा ड्रेस, अदर ड्रेस, ऐसे ही नॉर्मल जो पहनते हैं डेली लाइफ में, तो वो कह रहे थे। तो होता है धीरे धीरे मन लग जाएगा और सभी बच्चों से मिलजुल के रहने लगेगी, सारी चीज़ें कॉमन हो जाएगा उसके लिए भी, है ना। तो चलिए अब इसी के साथ इस डाउट को क्लियर कर दिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय।